तो 11 अगस्त को रिलीज हुई बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 आज बॉक्स ऑफिस पर अपने 41 दिन पूरे कर चुकी है। जी हाँ, बताते चलें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार ताबड़तोड़ कलेक्शन करती जा रही है और फिल्म की कमाई थमने का नाम ही नहीं ले रही। चाहे वर्किंग डे हो या नॉन हॉलीडे, फिल्म की कमाई लगातार ताबड़तोड़ देखने को मिल रही है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार धुआंधार कलेक्शन करते हुए पठान के हिंदी वर्जन के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए स्ट्रगल में लगी हुई है। तो आज हम बात करने वाले हैं गदर 2 मूवी के अब तक के यानी कि 41 दिनों के टोटल इंडियन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग 22 सालों के बाद हमारे सामने गदर एक प्रेम कथा का दूसरा सीक्वल आया जिसे दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया। जी हाँ, जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई वैसे ही इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए ऑडियंस थिएटर में टूट पड़ी। और बता दें कि गदर 2 फिल्म को कम स्क्रीन यानी कि लगभग 3500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और इतनी कम स्क्रीन पर रिलीज होने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने में कामयाब हुई। और बताते चलें कि फिल्म को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में लगभग 60 से 65 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था जिसमें बॉलीवुड के वन ऑफ द एक्शन सुपरस्टार सनी देओल के साथ साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा भी लीड रोल में दिखाई दिए थे और इन तीनों एक्टर्स की एक्टिंग और परफॉर्मेंस और वहीं फिल्म की कहानी और क्लाइमेक्स एकदम नेक्स्ट लेवल के होने की वजह से ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला और ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कलेक्शन करने लगी। वैसे अगर बात की जाए इस फिल्म के अब तक के यानी कि 41 दिनों के टोटल इंडियन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो बता दें कि इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन ऑल ओवर इंडिया से लगभग 40.10 करोड़ रुपए के साथ शानदार ओपनिंग ली थी और इसी तरह ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार ताबड़तोड़ कमाई करती रही और अपने शुरुआती 38 दिनों के अंदर ये फिल्म लगभग 519 करोड़ के कलेक्शन कर चुकी थी। तो वहीं अपने 39वें और 40वें दिन भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए रखी, जहां फिल्म ने अपने 39वें दिन लगभग 35 लाख की कमाई की तो वहीं अपने 40वें दिन इस फिल्म के कलेक्शन में थोड़ा बहुत जंप देखने को मिला और इस फिल्म ने अपने 40वें दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 50 लाख रुपए की शानदार कमाई और इसी के साथ ये फिल्म अपने 40 दिनों के अंदर टोटल इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 520.85 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी थी। तो वहीं अपने 40 दिनों में ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 680.15 करोड़ के आंकड़े को भी पार करने में कामयाब हो चुकी है। तो अब वहीं बात की जाए फिल्म के आज यानी कि 41वें दिन के कलेक्शन की तो आज भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है और अभी तक मिली रिपोर्ट के मुताबिक आज अपने 41वें दिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 75 लाख रुपए के शानदार कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है और इसी के साथ ये फिल्म अपने 41 दिनों के अंदर टोटल इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 521.60 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। तो वहीं दुनिया भर से ये फिल्म अपने 41 दिनों में लगभग 681.10 करोड़ के आंकड़े को भी पार करने में कामयाब हो चुकी है और इसी के साथ ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित हो चुकी है।